Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Well done, excellent. Allah bless you and your families. Today we are going to start on lesson number 47. It's about unit number 9. Okay? And the name of this unit is All is not lost. Abhi kuch nahi bigda. All is not lost. Abhi kuch nahi bigda. Clear? So whenever you are going to start any chapter, must keep these points in your mind. Follow these points to understand the paragraph. Okay? So understand title of the chapter, read paragraph and underline all difficult words, consult difficult words from dictionary and write meanings on them. Read again with complete attention to understand gist of it. Okay? Write down main points on a paper. This is very much important. So let's focus on the theme of the let's focus on the title first. Okay, which idea comes to your mind when you look at the picture and the title of the story? All is not lost, and she is working here as a nurse. She is checking the patient with full attention and devotion. So definitely the sincerity of passion is there. Sincerity of passion. What do you think is the role of nurse in the treatment of a patient? Yes, nurse plays very important role in the treatment of patient. She takes care 24 hours, you know that, of the patient. Let's see the theme. Some people consider nursing as an underrated profession. It is not being valued like some other professions. कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं नर्सिंग के शोबे को कि ये अंडररेटेड है, यानी अंडररेटेड प्रोफेशन मीन घटिया शोबा, मयार से गिरा हुआ, कमतर, बहुत से माने और बहुत से लोग बहुत गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं. इट इज नॉट बीइंग वैल्यूड लाइक अदर सम अदर प्रोफेशन. दूसरे शोबों की तरह इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती. So this story highlights the importance of nursing profession. ये कहानी आपको नर्सिंग के शोबे की अहमियत उजागर करेगी. And how the sincere effort and strong determination of a nurse saves patient from near crippling stage. और कैसे मुखलिस और मजबूत कोशिश अजाइम जो हैं एक नर्स से कैसे बचा लेते हैं एक मरीज को from near crippling stage, मफलूज होने के करीब की हालत से. क्लियर? सो नर्सिंग फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. लुक एट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, ये इब्तिदा थी मेरे शोबे की. एज नर्स, नर्स की हैसियत से मेरी पेशे की शुरुआत थी. आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, मैंने काम किया इंटेंसिव केयर यूनिट में ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मैंने काम किया. एज ए यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर की हैसियत से, आई विश, मैं चाहती टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना. आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी टू सी देख के द पेशेंट, उन मरीजों को मेकिंग क्विक रिकवरी, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसा से. ये टाइप ऑफ पेन, लेकिन मुझे दर्द होता था तो नर्स देखभाल करके दो उनकी स्ट्रक, जो मुब्तला थे, जिस पर हमला हुआ होता विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, शदीद असाबी तबाहियों में, असाबी नुकसानात में, असाबी खराबियों में जो मुब्तला मरीज थे, उनको देख के मुझे शदीद तकलीफ भी होती थी. क्लियर? वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ यंग पेशेंट, खड़ी थी मैं साथ एक नौजवान मरीजा के. आई वंडर, मैं हैरान थी, इफ शी कुड मेक सेम रिकवरी लाइक अदर्स, क्या ये भी कर सकेगी वैसे ही बहाली जैसे दूसरे करते हैं, या वैसे ही ठीक हो सकेगी जैसे दूसरे पेशेंट्स होते हैं. हीरा हैड रिसीव्ड स्वेयर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस
while crossing a busy road. हीरा को शदीद सर की और रीढ़ की हड्डी की चोटें आई थी. As she was hit by a speeding bus, क्योंकि उसको जरब लगी थी, बहुत तेज रफ्तार बस ने जरब लगा दी थी. While crossing a busy road, जब वो एक मसरूफ तरीन सड़क को अबूर कर रही थी, तो एक तेज रफ्तार बस उससे टकरा गई थी. I took her lifeless arm, मैंने उसकी बेजान बाजुओं को पकड़ा, in my hands अपने हाथों में, and tried to do several exercises, और कोशिश की करने की मुख्तलिफ मशकें, मुख्तलिफ वर्जिशें, on her उस पर, but in vain, लेकिन बेकार, in vain बेकार. Also I asked her younger sister, और मैंने उसकी छोटी बहन से कहा, to come, कि वो आए, and talk to her, उससे बात करे. Thinking, ये सोचते हुए, that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. हो सकता है कि इसके अपने करीबी और प्यारी की आवाज जो है एक्टिवेट उसके सरगर्म करते उसके तकरीबन मुर्दा न्यूरॉन्स को. सो शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी. हर आईज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों ने जाहिर किया एक यकीनी बेचारगी को. I could read her mind, मैं उसके ज़हन को पढ़ सकती थी. Through her eyes, उसकी आँखों के ज़रिए. Perhaps, शायद, she wanted to say, वो कहना चाहती थी, Please help me, अज़राहे करम, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए. So, बेटा, underline all difficult words and then consult from the dictionary. Okay, you can make your own contextual meaning also with the help of context. But try your level best to do this work, this activity with attention. Look at this first activity. All is not lost, translate into Urdu. We got some paragraphs, some lines, important lines from those paragraphs. So as a young professional, ek naujawan peshawar ki haisiyat se, I wish to save the world, main chahti thi bachana duniya ko. I was excited, मैं पुरजोश थी, जज्बाती थी, to see patient, उन मरीजों को देख के, making quick recovery, जो जल्दी सेहतियाबी मना लेते हैं या सेहतियाब हो जाते हैं, from devastating accident, तबाहकुन हादसा से. हीरा had received severe head and spinal injuries, हीरा को मौसूल हुई, हीरा को मिली शदीद सर की और रीढ़ की हड्डी की चोटें. आज ही वो हिट बाय स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, जब वो एक मसरूफ सीन सड़क को अबूर कर रही थी, तो तेज रफ्तार बस से टकरा गई, तेज रफ्तार बस उससे टकरा गई. शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. हर आईज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखें जाहिर करती थी यकीनी बेचारगी. I could read her mind through her eyes, मैं उसकी आंखों के जरिए उसके ज़हन को पढ़ सकी. Perhaps she wanted, so शायद ये कहना चाहती थी, Please help me, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए. Look at the second activity. Answer these questions. Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? हीरा नर्स ने हीरा की बहन को क्यों कहा कि आए उससे बात करें? You know that about speech therapy. क्या होता है कि जब कोई अपना बात करता है तो रिलैक्सेशन मिलती है. सो उस कंडीशन में जब वो खुद कोमा में है, तो उसकी बहन को बुलाया गया कि इससे बातें करो ताकि इसका दिल लगे, इसके दिल को तसल्ली मिले. सो आपने अपने हिसाब से इसकी उर्दू बनानी और अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. व्हाट इज एन आईसीयू इन अ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में आईसीयू रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट. ये कौन सा यूनिट होता है जहाँ पे सीवियर किस्म के पेशेंट्स, जिनके बचने के चांसेस कम होते हैं, उनको रखा जाता है, जो सीवियर कंडीशन में होते हैं, वहाँ पे 24 आवर उनको मॉनिटर किया जाता है. टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स? किस हद तक मरीज की सेहतियाबी या बहाली जो है नर्स और डॉक्टर पर मुनहसर होती है, यू नो वेरी वेल, और टोटली इन्हीं पर मुनहसर होती है. ज़्यादातर नर्स उसको देखभाल करती है, डॉक्टर एक दफ़ा चेक करते हैं, बट आपका आंसर ही होगा कि टोटली इसी पे डिपेंड करती है. देखिएगा पैराग्राफ को और अपने व्यू को भी देखिएगा कि क्या आप कहते हैं, क्या सारा का सारा डॉक्टर और नर्स पर इन्हसार करता है पेशेंट की रिकवरी, उसकी बहाली, उसकी सेहतियाबी? डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद उन्हीं पर डिपेंड करता.
So look at these two activities and do it, solve it with attention. Try your level best to give proper attention to your study. Wish you all the best. Take care. Allah.